सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्किन पे देख रहे हैं। और मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से बताऊँ, मेरे भाई आप सबको लगता होगा मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे भाई इस टाइप की फ़ोटो एडिट करना, तो मेरे भाई बहुत ही आसान है इस टाइप की फ़ोटो एडिट करना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे भाई आप सबको आसान लगेगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, आपको ओरिजिनल फ़ोटो ले लेना है। एंड मेरे भाई, ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस फोटो को डायरेक्ट ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेयर का ऑप्शन होगा, लेयर के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। एंड लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का आइकन होगा मेरे भाई, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ एक लेयर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा तो आपको नॉर्मल होगा। नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई आपको फाइनली यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में जाना है मेरे भाई। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई मीडियम ब्रश है, मीडियम ब्रश सेलेक्ट कर लेने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और देख लीजिए मेरे भाई सेम टू सेम रखना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अपना पूरा फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं पूरा फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, पहले तो चलिए फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं मेरे भाई। और इससे हमारा क्या फ़ायदा है मेरे भाई, मैं बताने वाला हूँ आपको अभी दो सेकेंड में। पहले तो आप अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से देख लीजिए, अच्छे तरीके से मेरे भाई अप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है ना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। और मेरे भाई मैं फास्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप सबको ना लगे कि ये वीडियो फेक है मेरे भाई। ओके, उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मेरे भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई कलर बैलेंस का ऑप्शन आएगा, कलर बैलेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करना होगा मेरे भाई। हाँ, इतना पर रख देना होगा। उसके बाद मेरे भाई फिर से क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब आएगा HSL का ऑप्शन जो आएगा मेरे भाई, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे भाई, इतना काम करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको मर्ज कर देना है। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, फिर से लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आना है। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद मेरे भाई अब की बार क्या करना है, तो आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है और सेटिंग देख लीजिए मेरे भाई, सेटिंग को आपको दोनों को वन वन रखना है, फॉलो को भी वन और स्ट्रेंज को भी वन, ठीक है ना। आप देख लीजिए मेरे भाई, सब सेटिंग एक सेम टू सेम रखना है। उसके बाद मेरे भाई अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई सेम टू सेम आप भी स्मूथ कर लीजिएगा। तो देख लीजिए मेरे भाई हमारा फेस कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। और मेरे भाई आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आप सबको दिखाऊंगा मैं अपने फेस को मतलब उतने अच्छे तरीके से वाइट कैसे करता हूँ एंड कलर वगैरह बैकग्राउंड में कैसे करता हूँ, सब कुछ मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाऊंगा मेरे भाई। वीडियो मतलब मान लीजिए मेरे भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरे भाई आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे भाई साथ ही साथ बताऊँगा कि अपने हेयर में वेल पेंट कैसे डालता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए, देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से आपको स्मूथ करना होगा मेरे भाई। और मेरे भाई कभी भी आप मतलब टाइम निकाल कर फेस को स्मूथ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा मेरे भाई फेस स्मूथ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है मेरे भाई।
और मेरे भाई कोई भी काम में अगर आप टाइम देते हैं तो वही बहुत ही अच्छा बनता है मेरे भाई, वरना बेकार बनेगा अगर टाइम नहीं देते हैं मेरे भाई। तो कोई सा भी काम हो मेरे भाई, प्लीज़ आप लोग टाइम दीजिएगा मेरे भाई। और आप लोग बोल रहे थे कि भाई आप वॉइस ओवर बहुत फास्ट करते हैं मेरे भाई, तो इसलिए मेरे भाई मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो आज बोल रहा हूँ मेरे भाई, और बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ मेरे भाई, तो आप सबको समझ में आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। देख लीजिए मेरे भाई, आप लोग मेरे हाथ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि मैं कैसे चलाता हूँ, अपने फेस को स्मूथ करता हूँ कैसे चला के, ठीक है ना। बाकी किसी भी चीज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादातर मेरे हाथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे फेस स्मूथ करता हूँ मेरे भाई। इधर भी स्मूथ कर लेना और इधर भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम आसान है मेरे भाई, आपको ज़्यादा झंझट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, मेरे को थोड़ा बहुत खांसी हो गया यार, पता नहीं जब से ठंडी मतलब ख़त्म हुआ तब से मेरे पे खांसी थोड़ा बहुत चढ़ गया, तो इसके लिए सॉरी मेरे भाई। वो तो पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा है, वो सही हो जाएगा मेरे भाई, थोड़ा बहुत तो सही हो चुका है मेरे भाई, बस थोड़ा बहुत और बच गया है। तो मेरे भाई मैं ज़्यादातर बोलूँ तो लगभग समथिंग फेस स्मूथ कर लिया हूँ मेरे भाई, तो अब ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगा मेरे भाई, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ अपने फेस को, सिर्फ दिखाने के लिए मेरे भाई कर लेता हूँ। आप लोग पूरा फुल स्मूथ कर लीजिएगा मेरे भाई, मैं दिखाने के लिए बस इतना कर लिया। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से आपको शेयर करना होगा, कहाँ पे मेरे भाई, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो पहले मेरे भाई क्या करते हैं ना, इस फोटो को यहीं से हम सेव कर लेते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है मेरे भाई, क्योंकि फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी में हुआ है मेरे भाई, आप सबको क्लियरिटी भी चेक करा दूंगा मेरे भाई, विश्वास नहीं होगा तो। फ़ोटो है 14 MB का, लेकिन मेरे भाई 25-26 MB का बन गया होगा फ़ोटो, ऐसे लग रहा है मेरे को मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, चलिए इस फ़ोटो को हम ओपन करते हैं, कहाँ पे, अपने गैलरी में। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, फ़ोटो आ चुका है। आने के बाद मेरे भाई क्लियरिटी आप सबको दिखा देता हूँ मेरे भाई, डिटेल में जाकर देख लीजिए मेरे भाई, पूरा 32 MB का बना है, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे भाई 32 MB का बनाना। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर देना होगा मेरे भाई। और मेरे भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरे भाई बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मेरे भाई, तो थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई, हम अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लिए हैं। कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इस वाले प्रीसेट का लिंक दे दूंगा मेरे भाई अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई। डाउनलोड कर लेने के बाद मेरे भाई कॉपी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, सॉरी, यहाँ से कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सही निशान पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अपने ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद पेस्ट कीजिएगा। तो देखिए मेरे भाई, वन क्लिक में हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देख लीजिए मेरे भाई, वन क्लिक में हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन मेरे भाई उतना अच्छे तरीके से नहीं बना है। तो सबसे पहले मेरे भाई थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। तो कलर्स में आना है मेरे भाई, मिक्स में आना है आपको। मिक्स में आने के बाद थोड़ा सा इसका सैचुरेशन कम कर देना है, लुमिनस को बढ़ा देना है, एंड मेरे भाई थोड़ा सा इसको भी छोट छाट कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फ़ोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना होगा, कहाँ पे मेरे भाई, स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको जहाँ पे ब्लैक दिख रहा होगा मेरे भाई, उसको थोड़ा सा वाइट कर लेना होगा। यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपको वाइट कर लेना होगा, जहाँ पर भी ऐसे लगे मेरे भाई। और आगे चल के पूरा एकदम एक बराबर मेरे भाई वाइट कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊँगा मेरे भाई, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए। तो उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर देखिए ब्रश होगा, ब्रश के ऊपर क्लिक करके सबसे लास्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है मेरे भाई। उसके बाद अपने लिप के ऊपर अप्लाई कर देना है, और मेरे भाई अपने फेस में शार्पनर्स डालने के लिए सबसे पहले मेरे भाई टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिएगा डिटेल, डिटेल के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई शार्पनर्स को पूरा फुल बढ़ा दीजिएगा। इससे देख लीजिए हमारा मतलब फ़ोटो लगेगा पूरा फुल HD में हुआ है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर आप देख लीजिए।
उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को आपको क्या करना है, डायरेक्ट शेयर करना है, सॉरी मेरे भाई डायरेक्ट शेयर करना है आपको टूलविज एप्लीकेशन में। मेरे भाई अपने बालों में मैं वेल पेंट कैसे इफेक्ट डालता हूँ सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। मेरे भाई वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको आएगा सेकंड लास्ट में इन्हांस का ऑप्शन, इन्हांस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप शार्पनेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई। शार्पनेस के ऊपर क्लिक करने के सबसे लास्ट वाला क्लिक करके मेरे भाई मार्क्स के ऊपर क्लिक करके क्लीन करके अपने बाल के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद डन कर दीजिएगा। डन इतना काम करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे मेरे भाई यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ तीसरे या चौथे नंबर को सिलेक्ट करके उसके बाद मेरे भाई क्लीन करके आप अपने पूरा बाल के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्लीन का ऑप्शन होगा, आप क्लीन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद अप्लाई कीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से भी डन कर दीजिएगा, उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को यहाँ से भी सेव कर लीजिएगा। मेरे भाई हाली की मेरे फोटो जितना नहीं बना है मेरे भाई, जैसे मैं थंबनेल पे दिखाया था तो थंबनेल पे देख लीजिए मेरे भाई मैं इस टाइप का दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइप का ही करके दिखाऊंगा आप सबको, प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मेरे भाई इस फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है, एंड ओपन करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। मोबाइल का डाटा ऑन कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है। स्टिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको फाइनली मेरे भाई ये वाला जो PNG होगा मेरे भाई आप सबको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा मेरे भाई, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप सभी को, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इजली मेरे भाई। डाउनलोड करने के बाद यहाँ इसको ऊपर के साइड लगा देना है ऐसे अच्छे तरीके से, उसके बाद मेरे भाई इसको डबल करना है, सॉरी डबल करके इधर भी लगा देना है। उसके बाद मेरे भाई एक और PNG रह जाता है मेरे भाई यहाँ पर, इस PNG को भी हम लगा लेते हैं चलिए। तो इसको डायरेक्ट अपने यहाँ पे लगाना है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम होगा मेरे भाई उस नाम से इजली टेक्स्ट मतलब आप मांग सकते हैं, ठीक है ना। और मांग के मेरे भाई डायरेक्ट अपने सीना के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और ब्लेंड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं लगा के अभी इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, कलर रिफ्लेक्स के ऊपर आना है मेरे भाई, और यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर कलर रिफ्लेक्स क्लिक करके ये वाला कलर सेलेक्ट करके मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ड्रा वाले ऑप्शन में आना है, ड्रा वाले ऑप्शन में आने के बाद थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और फोटो को सेव कर लेना है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।